बताएं कि फिर उधर से मॉडलिंग से एक्टिंग कैसे हुई? सोचा था कि मैं अब इस तरफ जाना शुरू करूंगी, इस डायरेक्शन में? मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनली भी और हमारा भी यहाँ पे जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो हमारा एंड पे यही होता है कि यू नो विल एक्ट, विल स्टार्ट एक्टिंग. तो ऑब्वियसली मैंने भी, मेरा भी यही प्लान था, दिल भी करता था, देखती भी थी, बट आई वॉजंट श्योर कि इफ़ आई कैन एक्ट. एंड आई वॉन्टेड टू गिव माई सेल्फ 5 years इंटू द मॉडलिंग. एंड उसके बाद आई थॉट कि मैं 2020 में या 2021 में मैं एक्टिंग शुरू करूँगी. दैट वॉज माई प्लान. बट अगेन जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं और जब होनी होती हैं, आई वन माई हम अवार्ड फर्स्ट राइजिंग स्टार का. एंड उसके कुछ दिन, आई थिंक बेरली 10-12 दिन बाद, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हम टी वी दैट इज दिस प्रोजेक्ट एंड आप आ जाएँ. और मैंने कहा देखिए मेरा ना घर पे मायूं हो रहा है, मेरी 10 दिन बाद शादी है. एक तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड अभी बिकॉज आई थिंक दैट आई कैन नॉट एक्ट. जो चीज़ मैं नहीं कर सकती ना वो मैं पहले बता देती हूँ कि देखिए मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम ज़ाया हो या आपके रिसोर्सेज मुझ पर ज़ाया. बिल्कुल. तो कहते नहीं नहीं आप आ जाएँ तो हम आपके वो लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या बनता है. अच्छा जी, पिछली रात को मायूं थी, अगले दिन टिकट की, कराची गए, एक बहुत बुरा ऑडिशन दिया मैंने. और उस ऑडिशन में थोड़ी सी नियत भी थी कि ना लें मुझे, क्योंकि दे वांटेड मी राइट आफ्टर माय शादी. दे वांटेड मी एक तो मेरी बिल्कुल शादी की डेट्स पे, बट आई टोल्ड देम, तो उन्होंने कहा हम 10-15 दिन वेट कर लेंगे, बट यू हैव टू जॉइन. सो आई गेव देम अ वेरी बैड वो. एंड आई गेट अ कॉल आफ्टर 2-3 days दैट यू आर डूइंग आवर सीरियल एंड यू मस्ट कम ऑन दिस डेट. यार ये तो ये शादी के आपने बिल्कुल पांच उनको चाहिए था कोई 5 December से मैं ऑन सेट. मेरी थी 1 December को शादी. मैंने कहा देखिए कोई 20 दिन ही दे दें. तो मैंने सिर्फ 20 दिन ही बोला. उन्होंने कहा ठीक है आप 20 दिन लें और 21वें दिन सेट पे. ये क्या था, बोलती थी ये क्या किया मैंने, 20 दिन उस तरह तो नहीं बोला था. खैर फिर 21वें दिन आई वॉज ऑन सेट एंड आई रिमेंबर दैट आई वॉज क्राइंग, माई मदर इन लॉ वॉज क्राइंग, माई ब्रदर इन लॉ वॉज लाइक इट्स ओके यू कैन डू दिस, कोई बात नहीं, ये तो है कराची, हम आया करेंगे, तुमने कौन सा हमेशा के लिए तुम जा रही हो. I did not cry on my Rukhsati. I cried so bad. I cried so bad. मैं सेट पे भी गई. हम टी वी वाले आज तक कहते हैं कि सहीफा gave us tough time because I was so sad. I did not want to leave my family. I was newly, you know, married. Of course. It was such a emotional ride. But ये है कि वो फिर वह टाइम एक्टिंग भी सीख ली. आई गॉट रियली amazing cast, amazing director. तेरी मेरी कहानी है पहला वाला ना. जी. Asfar was so helpful. सबूर was there. सबूर was already मेरी दोस्त, तो मेरे लिए थोड़ा सा था कि ठीक है. सबूर is also a very good actor. तो मुझे उससे बड़ा सीखने को मिला. फिर Asfar मुझे इशारे करके बताता था ऐसे कि देखो वहाँ देखो. तो शुरू की कुछ एपिसोड्स में तो बहुत बुरी मेरी एक्टिंग है, लेकिन इवेंचुअली फिर ये कि आई लर्नड. और उसके बाद फिर आई वेंट टू ARY एंड आई वर्क्ड फॉर देम इन बैक टू बैक. आई डिड 3 serials फॉर देम. तो वो ये कि फिर इट सिंस इट वाज मेंट टू बी तो वो हो गया और फिर बड़ा अच्छा हुआ. और फिर वहाँ से नो टर्निंग बैक. अब ये कि अब दोनों चीज़ें चल रही हैं साइड बाई साइड. लाहौर वालों को लगता है कि मैं कराची शिफ्ट हो गई हूँ, कराची वालों को लगता है कि मैं लाहौर होती हूँ और कराची नहीं आती हूँ. अच्छा तो ये बताएं अम्मा अबा वर ओके, वो सही थे, उनको कोई मसला नहीं था कि सहीफा इस डायरेक्शन में जा रही है? मेरे अब्बा को तो ये टेंशन थी मेरी शादी कैसे होगी, क्योंकि इसमें चली गई है, क्योंकि मैं फील्ड मेरी ये हो गई है. और ऑब्वियसली एक स्टेरियोटाइप और वो सब चीज़ें तो थीं. और फिर जिस फैमिली में कोई दूर दूर तक ना हो, और फिर हम पठान भी थे, फिर हैं पठान भी हैं. और फिर हमारी फैमिली में लड़कियों को पढ़ाने पे था बिल्कुल फोकस था कि पढ़ें, जितना भी पढ़ना है, पढ़ने के लिए बाहर भी जाना चाहती हैं जा सकती हैं अपनी मर्ज़ी से शादी, ये वाली कोई मसले नहीं थे. बट ये था कि चूँकि इंडस्ट्री के बारे में सुनते थे या एक डर था, इट बेरली टुक देम 2-3 months. उसके बाद दे वर फाइन. जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं सुबह जाती हूँ, रात को थकी भी आती हूँ, वो जब देख रहे थे कि मैं बिलबोर्ड्स पे आना शुरू हो गई हूँ, आई एम वर्किंग सो हार्ड, मैं ना दिन देख रही हूँ ना रात देख रही हूँ. उसके बाद आई थिंक शुरू में दे गेव अप ऑन मी कि अब ये नहीं मानी. कोशिश की उन्होंने समझाने की आप बहुत बहुत. अब्बू के मुझे आज भी याद है, इतने लंबे लंबे मैसेजेस आते थे. और मेरे मामू बड़े सपोर्टिव थे. तो वो कहते थे कि इस बच्ची के अंदर बहुत आर्ट भरा हुआ है कूट कूट के, तो अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये सीए करेगी तो ये वो बच्ची नहीं है, इसको करने दे अपनी मर्जी. तो अम्मा कहती नहीं ये देखो ये क्या. अम्मा का तो बहुत कम था, अब्बू ज़रा ज़्यादा परेशान थे. माई अब्बा ही लिव्स अब्रॉड.
अब्रॉड, तो उनको थोड़ा और भी था कि मैं बाप हूँ और मैं दूर हूँ और माँ पाकिस्तान में अकेली है, तो उनको आई थिंक वो वाली चीज़ें भी थी. But again, it took them no time. In barely 2-3 months, both were happy. बस मुझे मेरे अब्बू कहते होते थे और आज तक बल्कि यही कहते हैं कि अच्छा बस पैसे के लिए काम ना करना, बस शौक से करो जितना दिल करता है, पैसे के पीछे मत भागना. जहाँ से इज्जत से जितने मिला करें बस वो ले लिया करो, जहाँ पे लड़ना पड़े या बहस करनी पड़े वो. और वो वही है कि आज तक जहाँ मुझे कहीं लगता है कि मुझे बहस करनी पड़ेगी या लड़ना पड़ेगा या लोग अच्छे नहीं हैं या बदतमीज़ी होगी, I cannot work with them. और वो अब्बू की 2-3 बस जो बातें थी वो ऐसी दिमाग के अंदर फिट हैं कि वो आज तक वही हैं. आई थिंक इतनी खूबसूरत चीज़ है ना, बिकॉज उन्होंने वो आपको प्लेटफॉर्म, वो कुशन दे दिया है कि जिसकी वजह से आप अपनी मर्जी चला सकती हैं. बिल्कुल, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं बड़ी ब्लेस्ड थी कि एक तो मैं इसलिए काम करने नहीं निकली थी कि मुझे घर चलाना है. बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमाए और सेहत दे. मेरे अब्बू सपोर्टिव थे, घर वो चला रहे थे, मेरी अम्मा सपोर्टिव थीं, पढ़ी लिखी फैमिली थी, एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली थी. वो वाले मसले मसाइल नहीं थे जो बहुत से लड़कियों के या लड़कों के होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम होता है रोज़ी रिस्क कमा के और फिर फीड भी करना. तो वो जिम्मेदारियाँ ही नहीं थी, तो काम को ना भी कह सकते थे, बदतमीज लोगों के मुंह लगने की जरूरत ही नहीं थी. जहाँ छोड़ना, अपने अब्बू की, अब्बू ने गाड़ी लेके दी हुई थी, अपनी गाड़ी में खुद जाना है खुद आना है. तो आई थिंक ये बड़ी लग्जरी है. मैं इसलिए जब मुझे कोई कहते हैं आपने स्ट्रगल की, मैं कहती हूँ शायद मैंने की होगी स्ट्रगल, लेकिन वो मेरी अपनी किसी और तरह की स्ट्रगल होगी. और मैं उसको शायद स्ट्रगल नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग नॉर्मली स्ट्रगल करते हैं, मेरी तो उसके कहीं पर भी करीब नहीं है. सो आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड. आई फाउंड रियली गुड पीपल इन द इंडस्ट्री शुरू से लेकर आज तक, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड एन अमेजिंग फैमिली. मेरी शादी के बाद आई गॉट अमेजिंग इन लॉज, एंड उससे पहले आई हैड अमेजिंग पेरेंट्स. तो वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बिल्कुल भी मुझे फील नहीं. ये बताएं कि आपको तो एक्टिंग, मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई क्लासेस नहीं लेनी, तो पहला जब शॉट सीन जब शॉट करना था तो क्या दिमाग में चल रहा था? उससे पहले कुछ प्रैक्टिस की, क्या प्रोसेस था, अपने आप को कैसे रेडी किया, कैमरा जब हुआ ऑन क्या हुआ था? एक तो मैं अगेन वही कहूँगी कि ना लोग बहुत अच्छे मिले, और फिर उसके बाद उनको चूंकि पता था कि मुझे तो आती नहीं है एक्टिंग का, ए भी नहीं आता, तो उन्होंने ना मुझे सीन भी बड़ा इजी सा ही दिया शुरू में उन्होंने इजी सीन्स ही कराए. मुझे ये था कि ना मैं आई थिंक क्विक लर्नर हूँ, या शायद फिर एक्टिंग के मामले में मुझे लगता है कि मैंने जल्दी सीख लिया. तो बहुत बुरा किया. मैं आज भी कहती हूँ कि जब भी मैं वो सीन देखती हूँ तो मैं बहुत सर हिला का यार, एक था, मैं कहीं क्लिप भेजूंगी निकाल के, यूट्यूब से स्क्रीनशॉट भेजूंगी देखना, और वो आयरन करने होते हैं अपने पापा के कपड़े और उनसे कोई कॉन्वर्सेशन होती है. एंड 3-4 टेक्स ली, ऑब्वियसली वो परफेक्ट टेक्स नहीं थी, बट उन्होंने जाने दिया कि यू नो ये इंपॉर्टेंट सीन्स पहले कंफर्टेबल हो जाए. एग्जैक्टली, सो इट